वेलकम टू गुरु माइंड टैरो और ये रीडिंग है दिसंबर के फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर लियो। Knight of Wands, Ace of Pentacles, The Star, and the Hanged Man. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास स्टार है। Finally, आप इस पर्सन को सीरियसली ले सकते हैं। आई मीन नाइट ऑफ वांड्स एक ऐसा पर्सन डेफिनेटली हो सकता है जो कि एक इमेच्योर इंसान है और चीजों को सीरियसली नहीं लेता, एंड हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि हर बात इनकी एक जोक है या फिर एक तरीके का फॉल्स कमिटमेंट है, आप उन्हें सीरियसली नहीं ले सकते। और हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कमिटमेंट का और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन कमिट नहीं करने वाला क्योंकि ये एक इमेच्योर इंसान है और सीरियस नहीं है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। शायद ये सिर्फ रिलेशनशिप रहना एंजॉय करते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर कुछ तो बदल गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जानते हैं कि ये इस तरह से जिंदगी भर नहीं रह सकते और इस तरह से चीजें नहीं चल सकती। आप उनके लिए एंडलेसली वेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उन्हें आपको कमिटमेंट देना ही होगा और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसके लिए रेडी है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दिल की मुराद पूरी हो गई या आपकी विशेष ग्रांट हो गई। यहां आप देख रहे हैं ये लिजर्ड का हार्ट इसके अंदर पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मांगी हुई विश आपको ग्रांट हो रही है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको वो कमिटमेंट देंगे जिसका आप कब से वेट कर रहे थे और जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एंड द स्टार के साथ आपको लगा कि फाइनली आपको कोई ऐसी चीज मिल गई जिसका आप वेट कर रहे थे। ये रिलेशनशिप मुझे लगता है आप में से कईयों के लिए हमेशा के लिए भी हो सकता है। जो इस बार आपको कमिटमेंट मिलेगा उस कमिटमेंट को आप सीरियसली ले सकते हैं। एंड ये कुछ ऐसा है जो आपकी डेस्टिनी थी। यहाँ आप द स्टार देख रहे हैं, ये आपकी किस्मत में था और ये चीजें होनी ही थी। शायद यही पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस है और आगे चलकर आप साथ रहेंगे। यहाँ भी द हैंग्ड मैन के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को इस वक्त कंट्रोल में रखिए, अपने दिमाग से काम लीजिए। आपके इमोशंस इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और हो सकता है कि आप कोई डिटेल मिस कर दें। जो भी चीजें हैं उनको सोच समझ के डिसाइड कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप जो भी डिसाइड करने वाले हैं शायद वो आपके लाइफ में हमेशा के लिए इम्पैक्ट डालेगा या असर डालेगा। टैरो आपसे कह रहा है कि हैंग्ड मैन के साथ आपको अपनी विजडम का यूज जरूर करना है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Queen of Pentacles. Nine of Wands in reverse. Ten of Cups. And Eight of Swords. Ten of Cups, celebration. आप कुछ celebrate करने वाले हैं इस week में. आप किसी gathering में जा सकते हैं और आप center of attraction रहेंगे. यहाँ पे आपके और आपके partner के बीच एक अच्छी understanding दिख रही है. यहाँ पे लोग हैं जो celebrate कर रहे हैं. Finally, शायद आपके relationship में से जितने obstacles थे वो सब जाने वाले हैं. और यहाँ पे एक काफी खुश माहौल नजर आ रहा है. और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी तो है. आई मीन आपके पास वो सब कुछ है जो एक पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है. इस वीक में आपके पास ऐसी कोई वजह नहीं होगी जिसके कारण आप टेंस रहें. हालांकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जालस होके आपके पीठ पीछे कुछ बात करें. एट ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है रूमर्स भी. तो ऐसे लोग तो हमेशा ही होते हैं, इनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है. चारो आपसे कह रहा है कि अपनी चिंताओं को छोड़िए, अपनी बाउंड्री को तोड़ना है आपको और कहीं ना कहीं अपनी डर को अपने मन से निकाल दीजिए. शायद आप डर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो रियल तो है, आगे क्या होगा. अभी आपको कमिटमेंट मिल गया है, कल क्या होगा, इसके बाद चीजें कैसी होंगी, क्या आप इस कमिटमेंट को लेकर खुश हो सकते हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप के बारे में श्योर हो सकते हैं. यूनिवर्स आपसे कह रहा है इन सब डाउट्स को अपने मन से निकालिए और अपने इस वक्त को एंजॉय कीजिए. ट्रस्ट कीजिए, आपको जो ये पेंटिकल मिला है ये आपका ही रहेगा. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ब्लेस्ड हैं. तो अपने लाइफ की अच्छी चीजों को एंजॉय कीजिए और एट ऑफ सोर्ड्स से ज्यादा अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली कुछ लोग आपको अपसेट करने की कोशिश करेंगे या आपके रिलेशनशिप को जज करेंगे कि आपने सेटलमेंट किया है या आपका पर्सन इतना अच्छा नहीं है, आपके लायक नहीं है या फिर आप उनके लायक नहीं है. इस तरह की यूजलेस बातें, क्योंकि उन्हें बस आपके टेन ऑफ कप्स को किसी तरीके से खराब करना है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि टेन ऑफ कप्स के साथ आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आपके पास बहुत ज्यादा खुशियां हैं इस वक्त, हैप्पीनेस है और आपको कुछ ज्यादा ही मिल गया है. शायद उनके लाइफ में इस वक्त चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो ये लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि आपको ऐसा फील कराएं कि कहीं ना कहीं आपको इतना खुश नहीं होना चाहिए जितने आप हैं, ताकि आपका किसी ना किसी तरीके से आपकी खुशियों में किसी ना किसी तरीके का खलल पड़े. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. Sisterhood of the Rose, beauty and devotion, priestess, mystic, teacher. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर ब्यूटी है, आपके अंदर डिवोशन है और आप एक टीचर भी हैं. मतलब कि आप समझदार हैं और दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं. आप मैच्योर हैं और कहीं ना कहीं आप जिस तरह से इस रिलेशनशिप में चले हैं, ये रास्ता आसान नहीं था, तब भी आप यहां तक आ गए. तो आपकी ब्यूटी एंड डिवोशन को यूनिवर्स रिवॉर्ड कर रहा है और आपको फाइनली वो चीजें मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं. तो ये है रीडिंग दिसंबर के फोर्थ वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.